देखते हैं कोयटा की। कोयटा के वस्त में वाक़ हेल्थ सेंटर खंडरात में तब्दील हो गया है। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। इस पर रिपोर्ट देखिए आसिम खान की। कोयटा के इलाके शालदरा में वाक़ मदर केयर हेल्थ सेंटर खंडरात में तब्दील हो गया। आठ यूनियन काउंसिल के लिए कायम वाइड हेल्थ सेंटर की छत और दीवारें खस्ता हाली के बायस किसी भी वक्त गिर सकती हैं। तबाही के दाने पर खड़ा ये मरकज़े सेहत अब भी हुकूमती तवज्जो से महरूम है, जो इमारत की तामीर नो के साथ साथ इसका किराया भी अदा करने से कासिर है। 10 से 12 किलोमीटर एरिए में एक MCH सेंटर है और उसकी भी सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 60 साल से कायम ये सेंटर आज तक इसमें रिपेयरिंग का न कोई काम हुआ है, न रेंट का, जो ये रेंटेड बिल्डिंग है, न गवर्नमेंट को ये तौफीक हुई कि मालिक मकान को इसको बरवक्त किराया अदा कर सके। इलाके के काउंसलर कहते हैं मुतअद्दिद बार हुकाम को सूरतेहाल से आगाह किया मगर कोई सुनवाई न हो सकी। रिया के स्टाफ अपने जान जोंकों में डालकर इसका आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमने बलाकाम को बार बार इस मसाइल से आगाह किया, लेकिन आज तक किसी ने भी इसका नोटिस नहीं लिया। बलूचिस्तान के रवा माली साल के बजट में सेहत के लिए 17 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई, मगर ये खतीर रकम भी इस बदकिस्मत सेंटर का हाल बेहतर न कर सकी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़, क्वेटा।